प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव्स, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव्स। अब इन्फिनिटिव्स आप जानते हैं, इन्फिनिटिव वॉइस कौन सी होती है? टू प्लस वर्ब, क्रिया के पहले टू जोड़ देने पर जो नया शब्द बनता है, जो नई क्रिया होती है, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब इन्फिनिटिव अगर वर्ब आई हुई है वाक्य में, तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? अब इन्फिनिटिव वर्ब अगर है तो वह सब्जेक्ट कैसा होगा आपका, यह आप देखेंगे। वाक्य कैसा होगा? यह सब्जेक्ट होगा उसका, प्लस वर्ब होगी, प्लस इन्फिनिटिव, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से आपका वाक्य होगा। जैसे ये कहा जाए, ही इज टू हेल्प हर, ही इज टू हेल्प हर। अब यहां आप देख रहे हैं टू हेल्प, ये क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब है। टू हेल्प, मदद करना, क्रिया के पहले अगर टू जोड़ देते हैं तो वह इन्फिनिटिव होती है, और उसके हिंदी अर्थ में ना नी ने जुड़ जाता है, जैसे करना, उठना, बैठना, लिखना इत्यादि। तो ये हो गया ही इज टू हेल्प हर, तो उसे उसकी मदद करना है। अब इसके पैसिव वॉइस का जो सूत्र बनता है, तो एक्टिव हो गया है आपका। पैसिव बनेगा सूत्र इसका आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा पहले, ऑब्जेक्ट के बाद इज, आई एम और आर हो जाएगा। इज एम आर प्लस टू बी। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये बी क्यों लगाया गया, ये टू बी इन्फिनिटिव बनाने के लिए लगाया गया, क्योंकि पैसिव वाइज जब आप बनाएंगे तो मुख्य वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, अब थर्ड फॉर्म के पहले टू नहीं जुड़ेगा, वो इन्फिनिटिव नहीं बनेगी, इसलिए बी, बी का मतलब होता है होना या करना। अब आप यहां इसके पहले टू जोड़कर इसको इन्फिनिटिव बना दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई और फिर प्लस सब्जेक्ट, ये आपका बना पैसिव वॉइस। अब आप यहां से ले सकते हैं इसको, इसी वाक्य को इस पर रखकर देखते हैं। ऑब्जेक्ट है हर, हर के लिए क्या आएगा? सी, ऑब्जेक्ट के लिए सी आया आपका। अब पैसिव बनाएंगे इसकी, क्या बनेगी? सी इज टू बी हेल्प का थर्ड फॉर्म आपको लेना है, हेल्प्ड बाई हिम, सी इज टू बी हेल्प्ड बाई हिम। अब इसी तरह आपको दूसरे उदाहरण हैं, जैसे ये कहा जाए राम इज टू बी, सॉरी, राम इज टू रीड बुक, राम इज टू रीड बुक, राम को किताब पढ़ना है। अब ये हो जाएगा द बुक इज टू बी रेड बाई राम, ये हुआ आपका इस तरह से।
अब कुछ वाक्य हैं जिसमें हैज और हैव आपका आता है, कुछ वाक्य हैं जिनमें जैसे उनकी दशा यह है एक्टिव की, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से है। अब इनकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में आपका ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां आपका प्लस हैज हैव हैड हैज हैव और हैड प्लस टू बी, यहां भी वही लेना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई और फिर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये हुआ। जैसे कहा जाए आई हैव टू रीड दिस बुक, आई हैव टू रीड दिस बुक, मुझे यह किताब पढ़नी है। अब बुक आपकी पैसिव वॉइस हुआ तो हो जाएगा दिस बुक हैज टू बी रेड बाय मी, दिस बुक हैज टू बी रेड बाय मी। अब ये जैसे एक उदाहरण दिया है, सी हैज टू बाय ए पेन, सी हैज टू बाय ए पेन, अब इसकी पैसिव बनेगी ए पेन हैज टू बी बॉट, ए पेन हैज टू बी बॉट बाय हर, इस तरह हुआ, ए पेन हैज टू बी बॉट बाय हर। इसी तरह से एक उदाहरण और आपका है, वी हैड टू ड्रिंक वाटर, वी हैड टू ड्रिंक वाटर, हमें पानी पीना है। अब इसकी पैसिव बनेगी वाटर हैड टू बी ड्रंक बाय अस, द वाटर हैड टू बी ड्रंक बाय अस। अब ये आपका एक्टिव है और ये इसका पैसिव है, ये इसका एक्टिव है, ये इसका पैसिव है आपका, ये एक्टिव है और ये इसका पैसिव है। तो इस तरह से ये आपका इन्फिनिटिव का समाप्त हुआ जो है। कल आपको और आगे की टॉपिक पढ़ाई जाएगी,
अभी देखते हैं, अगर समय मिलता है तो बुक से भी आपको बता रहे हैं, तो पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप आकर विद्यालय से संपर्क करके पूछ सकते हैं। अपनी दूरी को बनाए रखें, मास्क हमेशा मास्क का प्रयोग करें, गाइडलाइंस जो भी सरकार के द्वारा मिलती है उसका अनुपालन करें। धन्यवाद।